डॉक्टर लक्ष्मण यादव, एक चीज भाई, आज इंडिया ने एक बहुत भारी, कम से कम 4-3 से इंडिया का स्कोर रहा, और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भारी जीत घोसी में हुई, बड़ी जीत हुई है, डिसाइसिव है। मैं थोड़ा एक चीज डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहूंगा। एक चीज तो मुझे लगा कि वहां पे शिवपाल जी ने कैंप किया हुआ किया ठीक से, और एक शिवपाल सब पे भारी पड़ गए, वो जो इतने मंत्री इतने वो, मतलब वो लोग लास्ट पोलिंग डे तक कैंप किए थे, लेकिन शिवपाल भी इधर खूंटा गाड़ लिए थे। और एक बार उन्होंने कहीं दिखाया कि भाई संगठन में और जमीनी में शिवपाल यादव की आज भी एक हैसियत है। मुझे एक चीज और बताइए, ये अमित शाह की कौन चाणक्य नीति है? मतलब ये दारा सिंह चौहान को तोड़ के लाना, फिर उसे दिखाना, ये मैसेज देने की कोशिश करना कि सपा का कुछ ग्राउंड पे नहीं है, ये मतलब ये क्या करना चाह रहे थे? दारा सिंह चौहान को तोड़ के लाने की क्या जरूरत थी? ओम प्रकाश राजभर को छोड़, अब ये तो लग रहा है कि चाणक्य नीति जो है ये सब उल्टी पड़ रही है। और इस पूरे इलेक्शन में क्या बीजेपी में भी एक बार रीथिंकिंग ये होगी कि ये भाई साहब क्या करते हैं? क्योंकि तोड़ फोड़ भी जो जबरदस्ती की तोड़ फोड़ थी, जरा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा शिवपाल जी के बारे में, समाजवादी पार्टी की जीत, इंडिया की जीत, और अमित शाह की ये कौन सी नीति है भाई? आनंद जी, कई बार खेलों में ये होता है कि तमगा गलत हो और गलत लोगों को पहना दिया जाता है। तो कई बार तो ये जो चाणक्य वाला तमगा है, एक समय तक तो खूब चला, लेकिन अब वो गड़बड़ हो गया। भाई रेस तो बदलती जा रही है ना, हर बार एक नई रेस है, हर बार आप ही जीतेंगे, ये तभी संभव है जब केवल आप ही उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये तो अब देखिए बदल रहा है, पूरे देश का चुनाव बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बदल रहा है। आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए मैं सीधे उसी पर बात करना चाह रहा हूँ। घोसी उपचुनाव इसलिए कराया गया क्योंकि एक टेस्टिंग की जाए। किस बात की टेस्टिंग? इस बात की टेस्टिंग कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वो क्यों कमजोर है? क्योंकि बसपा अभी भी अलग खड़ी हुई है, और बसपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो भले ही आज कितनी भी कमजोर स्थिति में हो, लेकिन इतनी मजबूत रही है कि वो अपना एक दखल रखती है, और अगर वो खिलाफ खड़ी हो गई तो आपको चुनाव तो हरवा सकती है। इसलिए टेस्टिंग किस बात की जाए कि वो एक तरफ खड़ी है, तो इंडिया गठबंधन यहाँ चैलेंज पर है। अखिलेश यादव को हम पहले ही बदनाम कर रहे हैं कि भाई यादव मुस्लिम, यही दो तीन लोगों के पॉलिटिकल दल बचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने दो प्रयोग बीच में पीछे कर दिए हैं। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन, चलिए किन्हीं वजहों से वो फेल हो गया, लेकिन जब वो फेल हुआ तो अखिलेश यादव ने वहां से एक फॉर्मूला पकड़ लिया, और वो फॉर्मूला था अंबेडकरवाद और लोहियावाद को साथ जोड़ने का। उस फॉर्मूले का प्रयोग अखिलेश यादव ने कब किया? 2022 के चुनाव में, जब उन्होंने तमाम दलित पिछड़ी जातियों के नेताओं का एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया जिसने उनको बहुत मजबूत कर दिया, और उसी के चलते ओम प्रकाश राजभर भी उधर से इधर आए, दारा सिंह चौहान भी एकदम तुरंत तुरंत छोड़ के आए थे, और इसीलिए उनको टिकट काट करके यहाँ पर दे भी दिया गया। इससे ये मैसेज मैसेज गया, और अखिलेश यादव का लड़ना ताकत से ये गया कि भाई ओबीसी और दलित वोट, अगर ये दोनों बसपा को और सपा को छोड़कर बीजेपी को नहीं मिला तो हम तो यूपी में जीत नहीं पाएंगे, और अखिलेश यादव उसमें ठीक ठाक सेंध लगा चुके हैं। अगर ये सेंध बढ़ती गई तो 80 सीटें जीतने के लिए हमारे पास असंभव हो जाएगा। इसलिए जो गालियां दिया हुआ है, जो चल सन्यासी मंदिर में बोला हुआ है, जो बहुत काला बुरा बोला हुआ है उसको, और ये वो लोग हैं जो अपने अपने खिलाफ गए लोगों को माफ नहीं करते, ये एकदम वो फोटो खींच लेते हैं आंख में कि जब उचित समय आएगा तब बतलाते हैं। अब ये इतना मजबूर हो गए कि अगर पूर्वांचल में, पश्चिम में उन्होंने खीर वीर के बहाने इनको जयंत चौधरी को लाने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई, पूरब में इनके पास यही पिछड़ी जातियां और दलित जातियां हैं, तो गाली देने वाले को अपने साथ ले आना ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। दारा सिंह चौहान को और राजभर को अगर वो साथ ले आते तो अखिलेश यादव को फिर से केवल यादवों का नेता बना देते। इसलिए सारा खून का घूंट जो लखनऊ पी रहा था वो दिल्ली के इशारे और दबाव पर पी रहा था, क्योंकि लखनऊ बहुत दिल से चाह नहीं रहा था, इसीलिए लखनऊ ने एक शर्त रख दी ओम प्रकाश राजभर के सामने कि तुम्हारे बड़ बोलेपन ने अखिलेश यादव को दिखा दिया, हम तुम्हारे बड़ बोलेपन पर नहीं जाएंगे, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है घोसी उपचुनाव, पहले इसे पास करो तब तुम्हें भी मिनिस्टर बनाएंगे और दारा सिंह चौहान को भी बनाएंगे। इससे फिर अगर ये चुनाव जीतते तो बीजेपी एक मैसेज देती पूरे उत्तर प्रदेश में कि अति पिछड़े समुदाय और दलित समुदाय अब बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, इसलिए ये पूरी हिकमत की गई थी।
और इसीलिए इस चुनाव में तमाम जातियों को इसलिए आगे किया गया, संजय निषाद को पाकिस्तान तक चले जाना पड़ा, जबकि संजय निषाद कांशीराम की पैदाइश वाले सियासी पैदाइश के नेता हैं और वो पाकिस्तान चले गए। तो ये दिखा रहा था कि बहुत बहुत कैलकुलेटिव था घोषित चुनाव। तो मुझे लगता है आनंद जी वो मैसेज ये देना था कि 80 सीट जीतने के लिए अति पिछड़ा और दलित बीजेपी के साथ है, मैसेज चला गया उल्टा। राजभर के साथ अब राजभर नहीं है, चौहान के साथ अब चौहान नहीं है, और बीजेपी अब पिछड़े लोगों को आगे करके पिछड़े समाज को मूर्ख नहीं बना सकती, ये मैसेज चला गया। और इसमें मुझे लगता है चाणक्य फेल है और इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से कामयाब हुआ है। बेशक उसमें सुधाकर सिंह, जो अभी शरद जी कह रहे थे, सुधाकर सिंह की अपनी भूमिका भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शिवपाल सिंह, अब देखिए ये एक सबक सीखा था। एक छोटी सी बात और कह दूं, 22 के चुनाव के तुरंत बाद, नहीं 20 में शायद ये हुआ था, विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद उपचुनाव एक हुआ था आजमगढ़ का, और आजमगढ़ के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, मजबूत नेता थे, टिकट बाद में घोषित हुआ, इस बार सुधाकर सिंह का टिकट तुरंत घोषित हुआ, यानी सपा भी अपनी रणनीति बदल रही है, गलतियों से सीख रही है। दूसरी तरफ वहां पर प्रचार करने अखिलेश यादव नहीं गए, और राजभर ने इसको बनाया था, राजभर ने कहा कि निकलते, और वही जब और तीसरी चीज जुड़ी शिवपाल यादव की, शिवपाल जी का मिलना और नीचे संगठन में काम करना, अखिलेश यादव का प्रचार करना, इसका प्रयोग मैनपुरी में हो गया, खतौली में हो गया, रामपुर में हो गया, वो धीरे धीरे कामयाब होते होते जब घोसी पहुंचा, तो ये अपने पूरे कैलकुलेशन में शिवपाल जी का खड़े हो जाना, सुधाकर जी का किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर भागना नहीं और लोकल लेवल पर पकड़ होना, और तीसरी तरफ अखिलेश यादव का गंभीरता से चुनाव लड़ना और वहां जाकर एक पैगाम देना रैली करके कि इस उपचुनाव का परिणाम दिल्ली तक असर करेगा, ये सब मिलाकर एक परिणाम जीत में तब्दील हुआ है, ये मेरी टिप्पणी है जी। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दो चीजें, एक तो बहुत अजीब सी बात है, राष्ट्रपति जो टोटल दोनों लोकसभा राज्यसभा को मिलकर प्रेसिडेंट का ही हाउस है, उन्होंने अभी तक वो घर ही नहीं देखा, उस घर में उद्घाटन भी हो गया, पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, अभी कल ही आए कि उन्होंने उस घर को देखा ही नहीं है। खैर, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दो मेरी स्पेसिफिक सी चीज है, आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं और जो भी हो रहा है, कहीं मोदी जी लायबिलिटी तो नहीं बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए किसी हद तक, एक। दूसरा, ये जो राहुल गांधी की यूरोप यात्रा है, मैं इसलिए इन चीजों को एक साथ इससे कर दे रहा हूं, वो क्या संयोग है या वो शेड्यूल प्लान्ड है कि मोदी जी जो बाहर चाहते थे कि भाई कम से कम चर्चा हो, वो चर्चा तो सुर्खियां राहुल गांधी बटोर ले जाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, बोलते अच्छा है, लोगों के जवाब ठीक से देते हैं, तो ये दोनों चीजों पे एक छोटी छोटी टिप्पणी, मोदी जी क्या लायबिलिटी बन रहे हैं और राहुल गांधी जो अभी विदेश गए हैं वो महज संयोग है कि इस समय गए हैं विदेश, या ये प्लान है आपके हिसाब से? देखिए बहुत गंभीर सवाल है, और लायबिलिटी बनना है एक एंगल तो इसका यह है कि वो उनके ऊपर लायबिलिटी बन रहे हैं, इसकी और भी वजह है, मतलब दोनों दो तरफ से इसे देखा जाए कि पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा बीजेपी अपने को ये तक साबित नहीं दिखा पा रही है कि वो एकजुट भी है कि नहीं है, नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो या पूरी 10 साल की जो बीजेपी की राजनीति है, पार्टी विद डिफरेंस का बात करने वाली बीजेपी अब एक वन मैन आर्मी बन चुकी है, ऐसा तो अटल बिहारी की वाजपेयी के समय में भी नहीं हुआ था, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, तो एक नारा लगा और वो ऐसा शिकस्त हुआ कि उसके बाद फिर उन्होंने कभी व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखा था, और ये प्रवृत्ति बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस की है, असल में आरएसएस ऐसी चलती है, आरएसएस व्यक्तियों को केंद्र में रखने की बजाय विचार को केंद्र में रखती है, और इसलिए उस विचार के अनुकूल व्यक्ति पैदा करती है, और कोई पैदा किया हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर उसे ढो न पाए तो उसे लाल कृष्ण आडवाणी बना करके मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट करने और फिर किसी नरेंद्र मोदी को खड़ा करने के लिए आरएसएस बिल्कुल तैयार रहती है। अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच एक दुराव दिख रहा है, मैं एक सूत्र खोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, पता नहीं इस बात को कैसे देखा जाए। आरएसएस चाहती थी कि जो कट्टर हिंदुत्व वाली नरेंद्र मोदी की छवि है उसका फायदा उठा करके जो अन्ना आंदोलन हो या भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या तमाम तरह की जो नाराजगी पैदा हुई थी उसको भुना लें। उस कामयाबी के लिए उनके पास एक चेहरा थे नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से अपनी एक यूएसपी रखते थे,
उस अपनी छवि की, नरेंद्र मोदी की उस छवि से कामयाबी हासिल होती है और भीतर के अंतर विरोध कम हो जाते हैं, 19 का चुनाव आ जाता है। 19 तक आते आते मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के पैरेलल जो एक दूसरी ताकत जो सब कुछ को चलाती है वो है कारपोरेट घराने की, उसको अपने साथ जोड़ लिया। तो ये जो नेक्सस बन गया है नरेंद्र मोदी के पास, आरएसएस का बैकग्राउंड, बैकअप, उसके उसके कार्यकर्ता, स्वयंसेवक जो गांव गांव जरा के हिंदू बनाते हैं, उसके बाबा लोग जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बहुत सारा तंत्र है। दूसरी तरफ कारपोरेट घरानों का पूंजी, इन दोनों के गठजोड़ से नरेंद्र मोदी ने अपने को एक एसेट के रूप में असर्ट कर लिया है। बाकी मैनेजमेंट के लिए उनके पास एक अमित शाह है, बाकी मैनेजमेंट के लिए उनके पास एक ऐसी चीज है कि आप एक क्लैश दिखता है। योगी आदित्यनाथ कल को प्रधानमंत्री बनने की कितनी भी कोशिश करें, एक बाधा आएगी कि कारपोरेट घराना उनको क्या मानता है, और यहां लायबिलिटी बने चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी की कार्ड बीजेपी के पास भी नहीं है, इसलिए वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव फिलहाल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाह रही है। एक तो मेरा पक्ष ये है। दूसरा एक जो जो इसका पहलू है कि वो गिर रहा है कारपोरेट में। एक कारपोरेट को आप पूरा देश बेच देंगे तो क्या बाकी कारपोरेट क्या एकदम खत्म है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे? तो बाकी कारपोरेट खड़े होंगे भाई, कि जो आदमी कहेगा कि दो लोगों की सरकार है तो वो बाकी लोग तो उस आदमी के साथ खड़े होंगे जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, जो बाकी काम कर रहा है, या जो क्षेत्रीय दलों के साथ खड़े होंगे क्योंकि क्षेत्रीय दल भी तो उनके कारपोरेट हितों को साधेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी का भीतर से एक दूसरा नरेंद्र मोदी चुनौती बनकर के उनको कमजोर करते चला जा रहा है, और ये जो भीतर से एक दूसरा नरेंद्र मोदी बना हुआ है ये 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है और आरएसएस बीजेपी के सामने चुनौती है। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं, वो दूसरा सवाल इसी सवाल के अंतिम हिस्से से जुड़ रहा है। ग्लोबल कैपिटल के सामने, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप फेक तो हो नहीं सकते कि एक तरफ बोले वसुधैव कुटुंबकम और एक तरफ कहें इंडिया शब्द ही विदेशी है, तो ऐसा तो आप फेक हो गए तो वो चलेगा नहीं, लोग पकड़ लेंगे कि नहीं ये गबड़। उस ग्लोबल कैपिटल के और ग्लोबल पावर स्ट्रगल के दौर में अगर आप एक स्टैंड चुनते हैं रसिया यूक्रेन युद्ध में, अगर आप एक स्टैंड चुनते हैं ग्लोबल कैपिटल के सामने एक कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ, तो बाकी कंट्री क्या करेगा? उसको भी तो एक ओपन मार्केट में बहुत सारी चीजें चाहिए। और राहुल गांधी के साथ मेरा मानना यह कि ये जो इंडियन कैपिटलिस्ट धड़ा है और जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट धड़ा है, ये दोनों मिल करके एक ऐसी सरकार चुनना चाहता होगा जिसमें क्षेत्रीय दलों की आवाजें भी सुनाई दें, जिसमें जो है भारतीयता के वो स्वर सुनाई दें, जिसमें रोज दंगा, रोज नफरत, रोज बांटना ना हो। मुझे लग रहा है ये ग्लोबल सिनेरियो इकोनॉमिकल ग्राउंड पर बन रहा है, जिससे राहुल गांधी बाहर जाकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और राहुल गांधी का भी पीआर तो है ना, कांग्रेस पार्टी अगर कायदे से खड़ी हो जाए, अब तो सीपी राय साहब वहां जब पहुंचे हैं तो मैं तो पहली बार इनको वहां देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि कितना अनुभव, कितना समाजवादी मूल्यों का परवरिश है, और इन दोनों के बीच जब एकता हुई है, तमाम न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका हुई है इंडिया गठबंधन की, और यहां से एक गुंजाइश बन रही है, और वो गुंजाइश जानती है कि चाहे पीआर वाले को पीआर के जरिए हटाना हो, इवेंट मैनेजर को इवेंट मैनेजर के जरिए हटाना हो, या लालू यादव जैसी भाषा में समझाना हो, या केजरीवाल ममता बनर्जी को समझाना हो, शरद पवार अखिलेश यादव, एक बड़ी अम्ब्रेला है, स्टालिन वाला बयान ही है। आज इंडिया गठबंधन एक काम कर दे, स्टालिन, प्रियांक खड़गे, ए राजा, इन सब ने किसको केंद्र में रखा? धर्म को नहीं रखा, जाति को केंद्र में रखा, और इंडिया गठबंधन साफ यहीं खड़ा हो जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बुलाया भाई? क्योंकि दलित है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं संसद में जाने दिया? क्योंकि वो महिला आदिवासी हैं। आप जो है स्टालिन के बेटे के क्यों गर्दन काटने की बात करें? क्योंकि वो कह रहा है हजारों साल के शोषण से आप हमारे समाज को बांट चुके हैं। यही प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं, इसलिए मजबूरी में आरएसएस प्रमुख को बोलना पड़ा कि 2000 साल से हम शोषण कर रहे थे। ये हताशा दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन वैचारिक जमीन पर थोड़ा सा मजबूती से खड़ा हो जाए। महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, सांप्रदायिकता को इस वाले हजारों साल के शोषण से जोड़ देगी ना, तो ये 80% का हिंदुत्व वाला गुब्बारा तो अपने आप फूट जाएगा। तो ये हिंदू बनाने के नाम पर ये जो फूटेगा, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा नैरेटिव यहां से कुछ बनता हुआ दिख रहा है। जी जी डॉक्टर लक्ष्मण, चलते चलते एक छोटे सा
वो प्रश्न मैं आप ही से पूछ लूं, क्या इस बार आप कैंडिडेट का भी कुछ रोल रहेगा 2024 के इलेक्शन में? क्योंकि पिछली बार ये देखा था कि मोदी जी के नाम पे था, नहीं नहीं मोदी जी को नहीं, और हमारे यहाँ के जो एमपी चुने हुए एमपी वो कहते उनसे कोई काम करने जाए तो कहते थे हमका हमें वोट दिए थे, वोट दिए थे मोदी जी को, तो मोदी जी मतलब इस तरह की बीजेपी के एमपी काम कहते थे। तो एक तो मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं कि कैंडिडेट का महत्व थोड़ा बढ़ेगा इस इलेक्शन में, उनका भी चेहरा रहेगा। दूसरा एक चीज जल्दी से और बता दीजिए, 77 के चुनाव में जब चुनाव घोषणा हो गई तो सीएफडी फॉर्म हुआ और जगजीवन बाबू कांग्रेस से निकल के उन्होंने एक माहौल बनाया था, सब कुछ ठीक था, विपक्षी बहुत एक जगह थे लेकिन माहौल बनाया था। आपको क्या इस बार लगता है कि जब चुनाव घोषणा हो जाएगी इस बार भी तो कोई जगजीवन राम निकलेंगे बीजेपी से माहौल बनाने के लिए या एनडीए से? देखिए तब ईडी सीबीआई और जो है ये सारी चीजें इतनी सक्रिय नहीं हुआ करती थी जिसका खौफ ऐसा हो कि मतलब अगर कोई हमारे विरोध में गया तो वो कहाँ चला गया पता नहीं। तो बहुत सारे डर हैं, वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, पहले भी ऐसी चीजें होती रही होंगी लेकिन जो पहले काम जो बुरे काम पहले छिप कर होते थे या कम होते थे अब वो खुल्लम खुल्ला और किसी भी हद तक हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में कोई जगजीवन राम बने उसको लालकृष्ण आडवाणी का चेहरा याद आता होगा कि बिना कुछ किए भी जो गुरु हैं वो जिनके जिनके सामने रोया जा सकता है, जिनके सामने पैर छुया जा सकता है, उन लोगों को कहाँ क्या होता है वो गति सामने। इसके बाद भी कोई हिम्मत कर दे, कोई राजनाथ सिंह, किसी दिन नितिन गडकरी किसी दिन उठें और कहें कि नहीं नहीं अब बस अब बहुत हुआ, पता नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि भीतर भीतर सब कोई ऐसा काम तो राजनाथ सिंह का या नितिन गडकरी का नहीं होगा जो नहीं हो पा रहा होगा। निजी तौर पर पिछले दिनों मैं नागपुर गया और मुझे नागपुर के लोगों ने बताया कि अरे साहब नागपुर क्या है, नितिन गडकरी अब क्या है, अब क्या पूछना, आइए उनका घर दिखाते हैं, आइए ये दिखाते हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, अब मैनेज बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ ऊपर से आरएसएस का कंट्रोल है, बाकी जगह कोई विद्रोही बन गया हो ये एक बात है, वहां से विद्रोही बन के भाई जिसमें थोड़ी बहुत सुबगाहट होती है, प्रवीण तोगड़िया एक हुआ करते थे, कहां चले गए पता नहीं, बहुत सारे लोग कोशिश किए लेकिन ऐसा फिर वो चक्रव्यूह में फंसते हैं कि फिर बीजेपी ज्वाइन करना पड़ता है उनको, ये एक चीज बात है। दूसरी बात ये कि चेहरा वाला जो सवाल आपने आनंद सर बोला है कि चेहरा होगा, बीजेपी देखिए लगातार इसी ग्राउंड पर ले आएगी कि आपका चेहरा कौन, वही बीजेपी इस पर ले आएगी जो विधानसभा चुनावों में अधिकांश जगहों पर चेहरा नहीं बताती। 2017 के चुनाव में यूपी में बीजेपी चेहरा कौन था नहीं पता था, हरियाणा में बीजेपी चेहरा कौन था नहीं पता था, बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि चेहरे वाली पॉलिटिक्स के ग्राउंड पर जाना ही नहीं चाहिए एनडीए को, इंडिया को, इंडिया गठबंधन अपने एजेंडे और मुद्दे पर लड़ेगा तो ये बहस अपने आप धीरे धीरे कमजोर होगी। और बहुत चेहरे वाली बहस पे जाना है तो सीपी राय साहब ने कहा है कि खड़गे साहब होंगे तो भाई कौन मना करेगा खड़गे साहब को, तो वो एक दलित परिवार के बेटा है, वैचारिक व्यक्ति है, तेवर वाले हैं, जमीन से निकले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नीतीश कुमार में क्या बुराई है, चेहरे तो मल्टीपल है यहाँ पर। तो ये जो मामला है इसको लेकर के खुला एक संघर्ष है जो पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन पहली कामयाबी ये कर रहा है कि वो अपने ग्राउंड पर एनडीए को खींचने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। अगर ये चलता रहा तो मुझे लग रहा है खेल दिलचस्प होने वाला है। जी शुक्रिया।